जिला गुरदासपुर के गांव आदिया में श्री गुरु ग्रंथ साहब के अखंड पाठ को लेकर गांव वासियों और सिख जथेबंदियों में विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में मारामारी शुरू हो गई। इस लड़ाई में कुछ गांववासी गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिनको उपचार के लिए सिविल अस्पताल गुरदासपुर में भर्ती करवाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। गल ये संघ का चोला साहब मेला लगता वा, ओर संबंध में हर बार खंड पाठ साहब रखाई वा, इतने लंगर लाई संगत आ लंघदियां ने। इस बार भी लंगर लगाया जा रहा वा। इन्होंने की किया वा, बहरों कुछ सिंह निहंग सिंह आए ने, वह कहें जी तुम इतने पाठ नहीं रख सकते, ये कमरा ही सारी विवाद मुका के खत्म करके पिछे खंड पाठ साहब रखवा लिया वा। इन्होंने बुला के भी चलो रखवा लिया, अकाल तख्त से जो हुक्मनामा होगा भी अगे तो जो उन्होंने गलबात हो जाएगी कि निबड़े कहीं का ठीक है जी, जो कह करेंगे आप नहीं रखावा करा। ये आड़ में बंदे सद ले, बंदे सद के पिछों जरा हरविंदर सिंह उन्हें आन के मेरे टप मारन कृपान कढ़ी आ, टप मारन शुरू करता। मैंने यकदम पता लग गया, मैं क्या की मेरी पग ही पग कटी गई, कुछ मेरे उंगल से लग गई कृपान। मैं जान भैया पिछे भजया वा, भजया तो मैं अगे कणक आ गई, कणक डिग पाया। उन्हें जिन्होंने लखविंदर सिंह ने फड़ी है कृपान, उन्हें मेरे मारती है। मैं जिन्होंने डिग पाया मेरे कृपान वजदा वजदा मेरे इतने कृपान बज गई है। हरविंदर सिंह फिर पाया वा, तो हरविंदर सिंह ने दूजी कृपान मारी है, मेरी दूजी इतने बज गई है। इन्ने चिर न अमरीक सिंह वह आया वा, उन्हें मेरे आण के इतने गोडे से डांग मार दी, करीब पांच छह बंदे फिटड़ हो जी, तो बाकी कुछ भज के बचा गए। हाँ जी, बाहरों निहंग सिंह सदे लखविंदर सिंह ने, हरविंदर सिंह ने मिली भुगत नाल उन्हां कोल सारे हथियार भी है, वो सदे। कोई भी इस तरह की हुक्मदुली नहीं होगी, जरा जो लिखा जो एस एच ओ साहब ने पढ़ के सुनाया, फिर एस एच ओ के कहन के उत्ते दरंगला ब्रह्मपुर एस एच ओ दो कहन के उत्ते राजीनामा लिखा जा रहा, लिखा जाने के पिछे इन्ने नाल ही मुंडे का नाम बलराज सिंह सानू सतनाम सिंह जिन्हें पिछों गाल कढ़ दी है। गाल कढ़न करके कुछ सिंह साढ़े उन्होंने उन्होंने गाल कढ़न तो रोकया, जी गल इन्होंने जी मगरों गल की इन्होंने कि उत्थे लंगर च गए, कोई भी लंगर च उत्थे नहीं गया, ना ही इस पुल तो अगे कोई गया, सारे प्रशासन ना प्रशासन ने जान दिता, एहो जी कोई गल नहीं हुई, सारा कुछ होया। वो राजीनामे की कापी भी साढ़े कोल आ, लड़ाई इस करके मुंडा गाल कढ़ता सी, जिहड़े बंदे चार अगों लिख रहे सी ना, जिहड़े लिखा रहे सी उन्हां दे चार बंदे लिखा रहे सी, वो जिहड़े साढ़े इधर दे भी चार बंदे लिख रहे सी, बड़े वधिया गल चल रही दरंगला एस एच ओ ब्रह्मपुर एस एच ओ बड़े तरीके नाल संभाल रहे सी, पिछों गाल कढ़न की देर आ। हुण भी जदों फिर वापस वड्डे साहब आए ने एस पी साहब जां होर भी कोई पुलिस आई आ, उन्होंने दस्सिया कि अहीं एस एच ओ साहब ने दस दिता आ उन्हां नूं भी उन्हां दी गलती सी। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਗਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਠੱਪੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰ ਕੋਲ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦ ਰਿਲੇਵੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਲਾਅ ਆਪਾਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।